हेलो। हाँ हाँ प्रीत, वो कट गया सीगा विच। मैं गड्डी बंद की ना तो फिर ब्लूटूथ बंद हो गया सीगा। हाँ हाँ पहुंच गई मैं घरे। डिनर बनाना आया बच्चे नु चकना। अच्छा सवेर का लंच भी बनाना बच्चों का, होमवर्क भी। नाल काम तो आई है तू भी, है ना। चल एनी वे। अच्छा चल ठीक है, मैं जानी हाँ, मैं तो पहुंच गई। लकी कितने। चल ठीक है, ओके ओके बाय। चलो चलो मम्मी आ गई। कम तो मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। लो जी मम्मा, फड़ो फड़ो, आ मैनू फड़ा दो। लो आ मैनू फड़ा दो, सारा कुछ चाबी लो। बैठो तू किदा यार। बैठो। थैंक यू आज अपन गल्ला मारिए। बहुत ज्यादा लंबा दिन सी हमें, आज इतनी ज्यादा टायर्ड होगी ना मैं, बस मैं दस ही नहीं सकती। ओके चल, हो बहुत ज्यादा काम सी। मैं पानी तो रोटी लेके आवा। हां जी प्लीज। मैडम जी, मैं वर्मीसेली नूडल्स बना लिया सी। ये हां जी हां भी जी तंग करता सीगा, बच्चे फिर आके मैं स्कूलों खा लेंगे, नाले शौक ना खा लेंगे, भांडे सही। मांज ते कपड़े हो गए, लफड़ाओ मैनू। मैनू थैंक सुनाओ, यू, मैं बहुत कहना ज्यादा भूख लगी मैनू। शाम नू प्लान बच्चे नू लेके जावांगे पार्क, एंजॉय करांगे। हाँ तुम्हें की जी दिन देखे ना, हाँ जी हाँ जी काम सारे होए ने घर दे। नहीं फिर अज सही। मेरा डे ऑफ सीगा ना, हाँ ते जी कल फिर मैं काम ते जाना, फिर थोड़ा डे थैंक ऑफ यू, ना, थैंक यू सो मच। इन्हू भी खिलाओ मैं कहना, है ओके ना। फिर नवी नवी ताजी कोई किदा रहा तेने, फिर कम ते ओए ओए, इन्हू खिलाओ भी, इन्हू खिलाओ। ओ बढ़िया सीगा। पर आज पता नहीं कि बहुत अजीब जी गल हुई, की हो गया? पता नहीं। लाइक मैं हुण आउंदी सी ना, प्रीत दा फोन आया मैनूं रस्ते च, है हाँ ना। गल्लां करदी सीगी, पहलां गल्लां करदी इन्हू दो भी, इन्हू दो। फिर जब घर दे कोल पहुंच गए, फिर मैं उन्होंने कहा कि मैं चल पहुंच गई घरे, है ना। फिर उन्होंने दसिया कहिंदी मैं हुण भी कम तो आई हां, हुण जाके मैं डिनर तैयार करना आ, भांडे मांजने आ, बच्चों का होमवर्क कराना आ, सवेर का लंच तैयार करना आ। मतलब लाइक इन्ना कुछ करना सी, कम करना सीगा घरे जाके भी बाहरों भी कम करके आई है, घरे जाके भी उन्हें इन्ना ही सारा काम करना आ। मैं तो समझ नहीं आई, मतलब जेड़ा एक बंदा घरे रह के सारे काम करता है, उन्हें डबल शिफ्टा हो गया उदिया एक तरह नाल। अच्छा फिर मैंने कहती तू तो फिर भी बहुत लकी है, भी अमन अपने डे ऑफ ते सारा काम करके रखते हैं, भी तू कम ते जाती है उस दिन वो घरे रहते हैं तो सारा करके रखते हैं। मैं फिर सोचा, मैं क्या, मैंने समझ नहीं आई है लकी होने की गल। पर ओदा हस्बैंड भी तो करे ही होंदा, वो भी तो शिफ्ट वर्क करदे ने अपने वांगू। मतलब वो भी तो बारियां ले सकते हैं, जे बाहर जाते हैं बारियां ले के काम करने, तो घर के काम भी तो बारियां चाहिए ने। सो उन्हें कुछ नहीं सी कीता, वो डबल शिफ्ट जाके करूगी, पहले बाहर काम करूगी, ते ओदा हस्बैंड घरे की करदा सवेर दा। पता नहीं, ये तो उन्होंने ही रब ही जाने भाई की ओ करता है। अच्छा, उन्हें इन्ना पता भी आप 50-50 काम करते हैं, तो फिर ओदा हस्बैंड करदा नहीं, तो तेनू कहंदी की यहां तू लक। मैंने कहती भी तू लकी हाँ, भी अमन अंडरस्टैंड करते ने, भी अपने डे पर ये तो ऑफ ते फिफ्टी वो काम करते हैं। पता की है, हाँ तू लक्की नहीं हैगी, हाँ ओ अनलक्की है। ओ अनलकी है। क्योंकि 50-50 तो शुरू तो ही होना चाहिए सी, हाँ जी, एच कोई लक वाली गल होनी नहीं चाहिए, बेल तो फीमेल वाली गल सिंपल नहीं, हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग वाइफ आ। वाली गल नहीं। सही गल है, तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग आ, हाँ भी जे एक बंदा बाहर जाके काम करता है तो दूजा जेड़ा भी घर रहता है वो घर दे काम सांभे, चाहे वो हस्बैंड होवे चाहे वाइफ होवे। नाले डे ऑफ जे मेरा हाँ जी एंजॉय करने जी करता, ता फिर जिदा भी डे ऑफ हो, चाहे मेल फीमेल हो, हस्बैंड वाइफ हो, वो एंजॉय करने जी करता। जो बंदा बाहरों काम आके, जे मेरा बाहरों काम करके एज अ हस्बैंड और आके डबल घरे शिफ्ट, काम करने दीवार जी नहीं जी करता, सही गल आ, तो वाइफ का बाहरों काम करके आके भी घरे आके डबल शिफ्ट लाने का जी जीत सही कित्थों करता, करेगा। सही जीता गल सेम है सारे का, राइट? और जे नहीं भाई भी कद्दूआ, कद्दूआ कहना थोड़ी वीडियो साइड ते मम्मी ले मेरा बनाई थी, फूड पर पहला पहला मेनू दो। ना, दूजी गल है, जे ता जे दोनों काम करते ने तो आई थिंक ओही चीज दोनों घरे आके भी बराबर उन्होंने करना, बराबर करना जे दो चाहिए जने है। बाहर जाते ने घरे आके, वाइफ दे बाद 8 घंटे ला, उन्होंने दोहां दे चार हाँ चार जी, घंटे चार लगे चार होगी। घंटे लगा। मैं तो बच्चे दे थप्पड़ थुप्पड़ मार के सारा सेट कुरके करके बिठा दूं, उन्होंने वर्मी सैली मैंने बनाउनी होंदी, मैगी नूडल्स किनू नहीं आउंदी, सब्जियां आपां 2-4 धर लई दियां ने, नजारे ना।
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਮੈਡਮ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਉਹ ਘਰੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੂਡ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੱਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਾਇਆ ਫੂਡ ਫੜਾਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਹਸਬੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਈਫ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਈ ਮੈਸੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ ਬਾਏ